कि लगातार हो रहे दौरों की तस्वीर है, लेकिन इन्हीं दौरों में जाने से सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ पाए कि प्रदेश में भले ही ईमानदार सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में भ्रष्ट लोग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ढाई साल से उन सबको चिन्हित कर रहे हैं, और इसी में एक नाम है आईएएस ऑफिसर राजीव कुमार द्वितीय का, जिन्हें अब जबरन रिटायर किया जा रहा है। यानी भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर एजेंडा है जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचारियों पर सीएम योगी का हंटर, सीएम को बर्दाश्त नहीं करप्शन, ऑपरेशन क्लीन में जुटे योगी, लापरवाही पर सख्त है सीएम योगी। सीएम हो तो ऐसा क्या धड़ाधड़ फैसला करता है? अनिल कपूर के नायक अवतार को आपने रुपहले पर्दे पर देखा होगा, लेकिन अगर आपको असल में नायक को देखना है तो उत्तर प्रदेश आइए। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी अपने एक्शन को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। लापरवाही को ना बर्दाश्त करने वाले सीएम योगी ने करीब ढाई सालों में जहाँ अपराध की कमर तोड़ दी, वहीं लापरवाही, भ्रष्टाचार, हीला हवाली पर भी सख्त रहे। इन दिनों आईएएस अधिकारी राजीव कुमार द्वितीय पर सीएम की त्योरी चढ़ी हुई है। असल में राजीव कुमार द्वितीय पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने राजीव कुमार को नोटिस दे दिया है। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, इसी के चलते अब तक 600 अफसरों पर कार्रवाई की गई है, जो अपने आप में एक इतिहास है। इनमें 400 अफसरों पर कार्रवाई की गई, वहीं 200 अफसरों को जबरन रिटायर किया गया। इसके साथ ही 7 पीपीएस अफसरों को जबरन रिटायर किया गया। इस कार्रवाई में सस्पेंशन और डिमोशन की कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग के 169 अफसर, गृह विभाग के 51 अफसर, परिवहन के 37, राजस्व के 36 अफसर, बेसिक शिक्षा के 26 अफसर, पंचायती राज के 25 अफसर, पीडब्ल्यूडी के 18 अफसर, श्रम विभाग के 16 अफसर, संस्थागत वित्त के 16 अफसर और कॉमर्शियल टैक्स के 16 अफसरों पर सीएम का हंटर चढ़ा। सीएम योगी के इस ताबड़तोड़ एक्शन से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम के तेवर सख्त हैं और लापरवाही सीएम को बर्दाश्त नहीं। करप्शन करने वाले किसी भी अधिकारी को सीएम योगी बख्शने के मूड में नहीं है, और अधिकारी भी चौकन्ने हैं, क्योंकि इधर लापरवाही हुई और उधर सीएम का हंटर चला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी कांग्रेस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के